नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम टॉयलेट और बाथरूम का रिनोवेशन वर्क देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले पुराने टाइल्स तोड़ के नया टाइल्स लगाना, इंडियन टॉयलेट को कमोड में कन्वर्ट करना, पुरानी जो वुडन डोर फ्रेम है उसको निकाल के ग्रेनाइट डोर फ्रेम लगाना और पुराने वुडन डोर को निकाल के पीवीसी डोर लगाना। इसके साथ ही कमोड में कन्वर्ट करने की वजह से सिंगल डोर की जगह डबल डोर लगाना, ये सब काम हम देखने वाले हैं। सबसे पहले है अभी हम पुराने टाइल्स तोड़ करके वहाँ नया टाइल्स लगाना। ये आप देख सकते हैं दीवार में 12x18 साइज की टाइल्स लगा रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं हालांकि यहाँ सिर्फ ये आधा हाइट तक ही टाइल लगा रहे हैं, लगभग 4.5 फीट तक का ही लगा रहे हैं। कुछ कुछ जगह पूरा फुल हाइट लगाते हैं। ये देखिए इधर मोटर मिक्स करके वो टाइल्स को लगा रहे हैं। ये साइड का एक दीवार भी एक साइड का तैयार हो गया है। अब ये दूसरे साइड का यहाँ डिजाइन है, सामने एक सिंगल डिजाइन है और दोनों साइड में ये लाइट कलर वाला प्लेन टाइल्स है। ये एक्चुअली एज पर क्लाइंट्स चॉइस है। ये अभी टॉयलेट का दीवार का देख सकते हैं। टॉयलेट में अलग अलग डिजाइन इस्तेमाल किया गया है, नीचे एक लेयर, बीच में एक लेयर और ऊपर में अलग लेयर। टॉयलेट में बॉटम टाइल लगाने से पहले अभी इंडियन WC था उसको कमोड में कन्वर्ट करना है, इसलिए उसको तोड़ करके पूरा आउटलेट को पाइप्स ट्रैप लगा के पाइप से जोड़ा गया है और नीचे फिक्स किया रखा है। जब टाइल लगाना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही कमोड लगा सकते हैं। ये आप देखिए टाइल्स कैसे लगा रहे हैं, इसका प्लम वगैरह चेक कर रहे हैं, लेवल्स भी चेक कर रहे हैं। अभी ये बॉटम टाइल्स लगा रहे हैं। यहाँ बॉटम में 1x1 फीट साइज के एंटी स्किड्स का टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। एंटी स्किड इसलिए यूज करते हैं ताकि वो स्लिपरी ना हो, क्योंकि बाथरूम और टॉयलेट में लगातार पानी होने की वजह से स्लिपरी होने का चांस रहता है, इसलिए एंटी स्किड थोड़ा रफ टाइल्स रहते हैं। लेवल वगैरह चेक कर रहे हैं, देखिए ये पूरा मोटर वगैरह तैयार करके बेस तैयार कर रहे हैं और बेस तैयार होने के बाद में टाइल लगाना शुरू करेंगे। देखिए पूरा मोटर को लेवल करके एक साइड से ये कर रहे हैं और उसका नाड़ी ट्रैप उस साइड में रहने के उधर स्लोप करके ये इसको
लेवल फिनिशिंग कर रहे हैं, नानी तरफ की तरफ स्लोप कर रहे हैं। ये देखिए कमोड के लिए ये रखा गया है। टाइल्स का कटिंग एज पर एक्चुअल साइज करते हैं। कभी कभी टॉयलेट का साइज एकदम परफेक्ट डायमेंशन में नहीं रहता, थोड़ा कम ज्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से टाइल काटते हैं। और साइड में इसलिए टुकड़ा पट्टी या फिर एक पट्टी लगा देते हैं। ये कमोड के साइड में टाइल बैठा है, उसको कटिंग करके कमोड के जो पाइप लगा है उसके साइड में। ये नानी ट्रैप है साइड में, उसके लिए लगाया गया है। ये स्लोप नानी ट्रैप की तरफ आए इस हिसाब से ये लेवलिंग किया गया है। ये कमोड के लिए जो पाइप छोड़ा है उसके साइड का ये टाइल लगा रहे हैं। इसमें सबसे पहले बेस तैयार करना है, उसके बाद में सीमेंट स्लरी वो डालना है, उसके बाद में लेवल प्रॉपर करके टाइल बैठाना है। इस हिसाब से टॉयलेट का बॉटम टाइल कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखिए ये लगभग अभी कंप्लीट हो गया, सिर्फ नीचे का लेयर बाकी है। और साइड का पट्टी बाकी है वो लगा रहे हैं। इधर आप साइड में देख सकते हैं पुराना वुडन फ्रेम निकाल करके ग्रेनाइट फ्रेम बैठाया गया है। और ये ग्रेनाइट फ्रेम कैसे बैठाते हैं उसका एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। ये बाथरूम का रिनोवेशन देख सकते हैं, पूरा जिया पाइप का पीवीसी पाइप में कन्वर्ट करके पूरा नल वगैरह चेंज किया गया है। ये देखिए अब ये कमोड बैठाने के बाद में कैसे दिखता है उसका एक व्यू है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो के लोग कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो देखते रहिए।
ये देख सकते हैं आप, ये रिनोवेशन करने के बाद में कैसा दिखता है बाथरूम और टॉयलेट। ये फ्रेम भी वुडन फ्रेम निकाल करके ग्रेनाइट फ्रेम बैठाया गया है। ये देखिए पेंटिंग होने के बाद में कैसा व्यू दिखता है, पूरा साइड का पेंटिंग भी किया है साइड में। ये पीवीसी डोर है, डबल डोर है, ये देख सकते हैं आप, कमोड की वजह से यहाँ डबल डोर लगाना पड़ा। और ये बाथरूम है, टाइल लगाने के बाद में ऊपर में पेंटिंग, ऊपर में जहाँ टाइल नहीं है वहाँ पेंटिंग किया गया है, ऑयल पेंट किया गया है वहाँ। साइड में कुछ चीज़ें रखने के लिए रैक वगैरह है, स्टोर लगाया है देखिए। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।